नमस्कार, मिड डे में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से खबर, जहां शराब के नशे में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बैंक मैनेजर और नगर निगम के ठेकेदार समेत 7 की गिरफ्तारी हुई है। सभी नशे में धुत पाए गए हैं। पत्रकार नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर पटना से, जहां पर शराब के नशे में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बैंक मैनेजर और नगर निगम के ठेकेदार समेत 7 की गिरफ्तारी हुई है। सभी नशे में धुत पाए गए हैं। पत्रकार नगर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, 7 की गिरफ्तारी, शराब के नशे में, क्या कुछ अपडेट? देखिए, पत्रकार नगर के इलाके से ये लगातार खबर आ रही है। आपको पता है कि पिछले बार भी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें बैंक मैनेजर थे, जिसमें आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक अधिकारी था। तो शराब की पार्टी लगातार चल रही है। लाख जतन के बावजूद सरकार लाख प्रयास कर रही है कि पटना में शराब नहीं आए, फिर भी होम डिलीवरी हो रही है। लेकिन चिंता का कारण यही है, गिरफ्तारी होना अलग चीज है। पुलिस को कल सूचना मिली थी कि एक स्थान पे शराब की पार्टी चल रही है। पुलिस वहां जब पहुंची तो पुलिस परब रह गई, जब वहां पता यह चला कि खुलेआम शराब की पार्टी, कई शराब के बोतल बरामद किए गए, सभी लोग नशे में धुत मिले, मेडिकल कराया गया, ब्रेथ एनालाइजर से परचेस हुआ, पता चला कि सभी लोग नशे में धुत हैं। फिलहाल सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये अपने आप में सबसे बड़ा एक सवाल यह है कि पत्रकार नगर के इलाके में आखिर शराब की पार्टी इतनी क्यों हो रही है। इसका सीधा मतलब है यानी कि वहाँ होम डिलीवरी खुलेआम हो रही है, पुलिस हाथ तक हाथ धरे बैठी है। सवाल सबसे बड़ा यह है, आप पकड़ रहे अलग चीज है, आप गिरफ्तार करने अलग चीज है, होम डिलीवरी कहाँ से हो रही है? होम डिलीवरी करने वाले सोर्स क्यों नहीं पकड़ा रहे हैं पुलिस से? एक दो लोगों की गिरफ्तारी होती है उसका पुलिस हाथ वहां धरे बैठ जाती है। आपको याद है 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पटना को सुधारिए, होम डिलीवरी नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। अपर मुख्य सचिव उत्पाद विभाग के जो है के पाठक, उन्होंने कहा है कि पटना में अगर होम डिलीवरी हो रही है इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। फिर भी आखिर क्यों होम डिलीवरी रुक रही, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल उन सभी लोगों के बयान के आधार पर उन सभी से पता किया जा रहा है कि किन लोगों ने शराब का खेप उपलब्ध कराई थी, होम डिलीवरी किया था, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। चलिए, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए।